क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए हैं, क्या है मामला पूरा आपका? जी मैं मानव स्वास्थ्य समिति मिर्जापुर से हूँ। पिछले साल कोविड-19 में स्वास्थ्य विभाग से हमने काम किया था, जिलाधिकारी माननीय जो उस समय सुशील कुमार पटेल जी थे उनके निर्देश पर हम लोगों ने कोविड-19 का काम किया था। जिले में जो भी मरीज थे क्वारंटीन थे उनके उपचार हेतु जो भी चिकित्सा दल डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ लगाए गए थे उन लोगों के भोजन और नाश्ते की व्यवस्था हम लोगों ने बड़े ही सराहनीय ढंग से काम किया, अच्छा काम था। समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण होता रहा, फूड इंस्पेक्टर प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे थे काम की। उसके बावजूद विगत 9-10 महीने से हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हम लोग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और सीएमओ साहब से मुलाकात करने पर वो कहते हैं कि संबंधित बाबू दीपक वर्मा जी से आप लोग संपर्क करिए। वर्मा जी से संपर्क करने पर कहते हैं कि साहब से मिल लीजिए, यही खेल 9-10 महीने से। कितना आपका पेमेंट? 9-10 महीने से पेमेंट कितना बकाया है? करीब 45-46 लाख रुपया है। तो जिलाधिकारी से आप लोग मिले, उनके द्वारा क्या कहा गया? जिलाधिकारी द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को। हम लोगों ने पहले भी पत्रक दिया, आज भी मिलने के लिए आए हैं। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीडी गुप्ता साहब से मुलाकात करने पर वो बार बार कहते हैं कि आप जो है संबंधित बाबू दीपक वर्मा से संपर्क कर लीजिए। वर्मा जी से संपर्क करने पर वो कहते हैं कि साहब से मिल लीजिए। यह खेल विगत कई महीने से चल रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है मैं कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। और हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है और आज हम लोग मीडिया के सामने मुखातिब हुए हैं, इसलिए कि हमारी ये जो वेदना है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, इसको उच्च अधिकारियों से लेकर शासन तक पहुँचाया जाए। अगर हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे। हमारे कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। तो हमारा यह अनुरोध है कि किसी भी मूल्य पर हम लोगों का भुगतान हो।